Hello friends i welcome you all on my youtube channel rasayan setu friends in today's video we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in csir net december 2019 exam okay so let's start see this is your first question it says if the rate constant for a base catalyzed ester hydrolysis reaction is 0 0.20 liter per mole per second हाफ़ लाइफ इन सेकेंड ऑफ द एस्टर वुड बी क्लोजेस्ट टू वेयर कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर इज इक्वल्स टू बेस इनिशियल कंसनट्रेशन इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल पर लीटर फ्रेंड्स आपको एक रेट कॉन्स्टेंट गिवन है बेस कैटालाइज एस्टर एडोलिस रिएक्शन का आपको इस रिएक्शन की हाफ लाइफ फाइंड हाफ लाइफ फाइंड करनी है ओके वहाँ पर आपको इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर एंड बेस की गिवन है इन चार ऑप्शन में सिर्फ टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या गिवन है रेट कांस्टेंट, देखिए रेट कांस्टेंट कितना गिवन है जीरो पॉइंट टू जीरो लीटर पर मोल पर सेकेंड अगर फ्रेंड्स आप आप इसको केयरफुली एग्जामिन करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको बताती है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है यूनिट इसके अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन होगी ये क्या है आपकी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये आपकी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है अंडरस्टैंड फ्रेंड्स ओके नाम अब देखिए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जहाँ पर आपका ए कन्वर्ट हो रहा है बी में एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो मीन्स इनिशियली इसकी ए की कंसेंट्रेशन है ए एंड इसकी हम मानते हैं ज़ीरो एंड आफ्टर सम टाइम मीस टी टाइम पास होने पर इसका कंज्यूम हो जाता है ये ए माइनस एक्स एंड इसका फॉर्मेशन हो जाता है एक्स ओके एक्स क्वांटिटी बी की बनी है ए माइनस एक्स सो इस ये जितना हुआ उतना इसमें से क्या माइनस कर देंगे इतना हमको पता है नाउ अपन को पता होता है फ्रेंड्स कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई केट इज इक्व टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए इट मीन्स केट इज इक्वल टू वन अपॉन द सबस्टेट कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी माइनस वन अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ योर सबस्टेट एंड यहाँ पर अब देखिए आपसे हाफ लाइफ पूछिए सो हाफ लाइफ मीन्स क्या होगा आपका हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ पर ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मीन जब सबस्टेट्स की कंसेंट्रेशन हाफ रह जाती है वो होती है हाफ लाइफ सो ये हुआ ए बाई टू सो यहाँ से के इंटू टी हाफ इक्वल हो गया आपका वन अपॉन ए बाई टू माइनस वन अपॉन ए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा टू बाई ए माइनस वन बाई ए टी हाफ के टी हाफ सो इट मीन्स यहाँ से देखिए के टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी ए कॉमन ले लेंगे टू माइनस वन क्या आएगा वन बाय ए सो so यहाँ से टी हाफ की वैल्यू मिल गई आपको वन बाय के इंटू ए अब देखिए आप क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर की वन है ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव दोनों वैल्यूज रख दीजिए वन अपॉन जीरो पॉइंट टू जीरो इंटू जीरो जीरो फाइव सो टी है जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट हंड्रेड सेकेंड विच इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या है राइट right आंसर समझ आ गया फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज के टू इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए नॉट एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम टी इज एक्स देन ए लीनियर फंक्शन ऑफ टी विद द स्लोप के टू ए नॉट इज एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड आपको एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट यून है के टू अगर आप इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन रिएक्टन की माने ए नॉट एंड जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम माने एक्स तब आपको ये फाइन करना है कि टी के साथ आप इस चारों दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ ग्राफ प्लॉट करें कि उस ग्राफ का स्लोप के टू इन ए नॉट आपको मिले मीन्स आपको एक ग्राफ की दोनों एक्सिस फाइन करनी है एक तो आपको गिवन है टी ओके आपको ये फाइन करना है किस इन चारों में से किसके साथ ग्राफ प्लॉट होगा फोर फोर मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ओके चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स हमको पता है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिलेशन क्या होता है वन अपॉन ए नोट माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए नोट इज इक्वल्स टू के टू इंटू टी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये रिलेशन यूज़ किया था ओके okay? सो so, यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं सो वन माइनस वन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू इंटू टी प्लस वन अपॉन ए नोट ओके नाव इसको सॉल्व करिए आप वन अपॉन ए नोट माइनस एक्स इक्वल हो गया के टू इंटू टी इंटू ए नोट प्लस वन बाय ए नोट ओके फ्रेंड्स इतना आपको समझ आ गया अब देखिए यहाँ से ए नॉट इधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा सो यहाँ से ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू के टी के टू इंटू टी प्लस वन ये हो गई इक्वेशन ये मिली आपको ना अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए यहाँ से ए नॉट के टू इंटू टी इक्वल हो गया ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस वन ये प्लस वन यहाँ चला जाएगा तो माइनस वन में कन्वर्ट हो गया ओके सो यहाँ से ए नॉट के टू टी इक्वल हो गया आपके ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट माइनस एक्स ओके फ्रेंड्स नाउ अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको ए नोट माइनस ए नोट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे आपके सो so ये क्या बचेगी टर्म आपके पास ए नोट इंटू के के टू इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए नोट माइनस एक्स यही बचा ना फ्रेंड्स ये तो कैंसिल हो जाएगा ए नोट से माइनस ए नोट ओके ये बचा आपके पास ना अगर हम इसको कंपेयर करें सो so देखिए ये वो आपके ए नाट इंटू के टू इंटू टी प्लस ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं आप अगर आप इसको माने वाई तो ये हो गया आपके एम ये हो गया आपके एक्स प्लस सी यहाँ पे देखिए स्लोप की क्या हो गया ए नाट इंटू के टू वाई हो गया ये एक्स इट मीन्स अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स अपॉन ए नोट माइनस एक्स वर्सिस टी के बीच में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप होगा आपके ए नॉट इंटू के टू यही आपको गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है आपको ए नॉट के टू स्लोप गिवन है एंड आपसे यही पूछा था कि वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी आएगी इन चार ऑप्शन में से सो so देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर थ्री दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर थ्री यही है आपका एक्स अपन ए नॉट माइनस एक्स सो इट मीन्स x अपन ए not माइनस एक्स वर्सेज टी के बीच ग्राफ प्लॉट करने पे ये वाली आपको ग्राफ मिलेगा जिसका स्लोप ए not इंटू के टू का इंटरसेप्ट जीरो होगा आई होप आपको समझ आ गया होगा ओके नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज ऑक्सीडेशन ऑफ एनो टू एनो टू अकर्स वाई दी मैकेनिज्म गिवन ब्लो ये मैकेनिज्म आपको गिवन है डी एनओ टू अपॉन डी टी इन द प्रेशर ऑफ लार्ज एक्सीज ऑफ ओ टू कैन बी रिटर्न एज एंड यू हैव फोर फ्रेंड्स आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एनओ टू एनओ टू गिवन है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू लार्ज एक्सिस ऑफ ओ टू की प्रेजेंस में फाइंड करनी है इन चारों ऑप्शन में से फोर मार्क्स का क्वेश्चन है ये ओके चलिए देखते हैं देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें रिएक्शन तो ये रिएक्शन गिवन है नेक्स्ट स्टेप में एन टू ओ टू ओ टू के साथ मिल ओके नाउ और okay? देखिए यहाँ पर एनओ NO तो क्या हुआ रिएक्टेंट एन टू क्या हुआ आपका प्रोडक्ट एन NO से एन टू बन रहा है अल्टीमेटली सो so यहाँ पर अगर आप देखें सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू किसके इक्वल हो जाएगी टू मोल्स ऑफ के टू एन टू ओ टू इन टू ओ टू यही आएगा इसका रेट लो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप इसके अकॉर्डिंग रेट लो यही बनेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ एन ओ टू अब देखिए यहाँ पर एन टू ओ टू क्या एज या इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है ओके फ्रेंड्स एन टू ओ टू एज इंटरमीडिएट एंड आपको पता है अच्छे से कि जब भी आपको इंटरमीडिएट की कंसल्टेशन फाइंड करनी होती है आप क्या अप्लाई करते हैं स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन सो so, यहां से अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन एंड टू टू क्या होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट यही आपको करना है इधर डी एन टू टू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू अब देखते जाइए यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है पॉजिटिव आ जाएगा एन का स्क्वायर रिवर्स स्टेप में क्या रहा Decomposition हो रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है सो ये हो जाएगा माइनस में के इनवर्स एन टू टू एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन हो रहा है सो so ये भी हो जाएगा माइनस के टू एन टू ओ टू इन टू ओ टू इज इक्वल्स टू जीरो ओके नाव यहाँ से क्या होगा देखिए के वन एन ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इनवर्स एन टू ओ टू प्लस के टू एन टू ओ टू टू ओके फ्रेंड्स नाउ देखिए यहाँ से आपको जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एन टू टू क्या मिलेगी ये मिलेगी आपको के वन एन ओ स्क्वायर अपॉन के इनवर्स प्लस के टू ओ टू क्या आपको मिल गया नाम आपको मिल गई एन टू टू की कंसेंट्रेशन आप क्या कर दीजिए इसको इस रेट लॉ में रख दीजिए एन टू टू की जगह सो so, यहाँ से आपको क्या मिला अब डी एन ओ टू और डी टी इज इक्वल्स टू टू के टू के वन एन ओ का स्क्वायर एन ओ ओके इंटू ओ टू फोन के इनवर्स प्लस के टू इंटू ओ टू ये आपको मिला ओवल और रेट लॉ अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है इफ एक्सिस ऑफ ओ टू अगर आप यहाँ पर ओ टू के एक्सिस मानते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी K2 O2 के टू इंटू ओ टू के इक्वल हो जाएगी सो इफ एक्सिस ऑफ ओ टू देन इन दिस कंडीशन योर के इनवर्स प्लस के टू इंटू ओ टू विल बी इक्वल टू ओनली के टू इंटू ओ टू क्योंकि इस स्थिति में के इनवर्स का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा इसकी वैल्यू आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत आई है ओ टू की नाउ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रेट लो अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखिए ये बन जाएगा आप टू के टू इंटू के वन एन ओ स्क्वायर इंटू ओ टू फोन के टू इंटू ओ टू ओके फ्रेंड्स नाव देखिए यहाँ पे के टू से के टू कैंसिल ओ टू से ओ टू कैंसिल क्या बचा आपके पास टू के वन एन ओ का स्क्वायर एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपका द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू इज गिवन बाय टू इंटू के वन इंटू एन ओ का होल स्क्वायर ऐसे से अप्लाई करके ये क्वेश्चन होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सी इट सेज फॉर द रिएक्शन के प्लस बी आर टू कन्वर्ट्स इनटू के बी आर प्लस बी आर विच फॉलोज द हार्पोन मैकेनिज्म द रिएक्टिव सेक्शन इज क्लोडेज टू वी आर ई स्क्वायर ओपन फोर पाई साइलन टू पॉइंट थ्री माइनस एट जूल इंटू मोलनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज इक्व टू फोर टू टू पॉइंट फाइव किलो जूर पर मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज टू फिफ्टी किलोजूर पर मोल एंड द्राटो नंबर इज सिक्स इन टू ट्वेंट द पावर ट्वेंटी थ्री पर मोल एंड यू हैवर ऑप्शन फ्रेंड्स आपको एक रिएक्शन गिवन है जो हार्पून मैकेनिज्म फॉलो कर रही है आपको इस रिएक्शन का रिएक्टिव क्रॉसेक्शन फाइंड करना है एंड अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन है इन चार ऑप्शन में से चार मार्क्स का क्वेश्चन है ये ओके चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स हार्पून मैकेनिज्म क्या होती है कोलिजन थ्योरी का एक्सटेंशन होती है सो हारपून मैकेनिज्म इज ए एक्सटेंशन ऑफ कोलिजन थ्योरी अब देखिए फर्क क्या होता है जनरली ये मैकेनिज्म आपको दी जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस के लिए देखिए कोलिजन थ्योरी में मेनली फ्रेंड्स क्या होता है दोनों जो आपके सब्सटेंस जो स्फेरिकल सब्सटेंस होते हैं वो आपस में टच करते हैं कोलिजन करते हैं उसके बाद ही रिएक्शन परफॉर्म होती है ये कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है मीन्स उनको कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है लेकिन हारपून मैकेनिज्म में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बिटवीन टू एटम्स होता है एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही कंप्लीट हो जाता है मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के लिए जो आपके दोनों एटम्स होते हैं उनको आपस में टच होना ज़रूरी नहीं होता है ये होता है बस हारपून मैकेनिज़म में सिंपल सा बिल्कुल मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है आपको ये ध्यान रखना है कोलिजन थ्योरी में कोलाइज होना या टच होना ज़रूरी होता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर बिना टच हुए एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ये हारपून मैकेनिज्म है बस एक्सटेंशन है कोलिजन थ्योरी का इसमें अगर आप देखें तो जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्कुर्ण. ये आर क्या है वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस से क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू तो अनदर स्पीशीज ओके okay? नाउ देखिए जो आपकी गिवन रिएक्शन है इस क्वेश्चन में डेट इज़ द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल उसमें क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है कहाँ से पोटेशियम से ब्रोमीन पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सो इन योर गिवन रिएक्शन it is a electron transfer reaction given reaction is electron transfer reaction and in this reaction at a particular distance the potassium transfers it's electron to bromine. Understood friends Kaise Reaction between potassium and Br2 occurs at particular distance here the electron of potassium transfers into bromine and the reactive species formations occur K plus plus Br2 minus and after that फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम प्रोमाइड अकर्स एंड रिमूवल ऑफ ब्रोमिन एटम अकर्स दिस इज द कम्प्लीट रिएक्शन ओके एट पर्टिकुलर डिस्टेंस दिस पोटेशियम ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन टू ब्रोमिन मॉलिक्यूल एंड द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज स्पीसीज अकर्स एंड आफ्टर दैट दिस चार्ज स्पीसीज कम्बाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट दिस पोटेशियम प्रोमाइड अकर्स एंड रिमूल ऑफ ब्रोमीन ऐटम ओके अब इस रिएक्शन में इन दैट गिवन रिएक्शन एनर्जी चेंजेस एज फॉलोस एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको एनर्जी चेंज का देखिए क्या है आयोन एनर्जी ऑफ पोटेशियम माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन माइनस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एफ साइलर नॉट आर एंड आपको फ्रेंड्स ये आर ही तो फाइंड करना है बाकी सारी वैल्यूज तो गिवन है ये आर जो है ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पोटेशियम टू ब्रोमीन ओके एंड वी नो एट द टाइम ऑफ योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई विल बी ज़ीरो एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सो इट मीन्स ये वैल्यू आपको जीरो हो गई डेल्टा ही सो so यहाँ से इस कंडीशन को अप्लाई करने पर द आयोनेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ प्रोमिन विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाय फोर बाई एपसाइलन नॉट इन टू आर ओके फ्रेंड्स अब देखिए आपको पता है आयोनेशन एनर्जी गिवन है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी गिवन है एन ई स्क्वायर अपन फोर पाइपाइड एंड नोट की वैल्यू भी गिवन है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा एक एक करके वैल्यू रखते जाइए देखिए फोर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव माइनस टू फिफ्टी इंटू टेन टू पावर थ्री जूल पर मोल अपॉन एन एपो करा दो नंबर थर्टी सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री पर मोल इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी एट जूल पर मोल अपॉन आर यहाँ से जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो so आर आपका आएगा एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर दिस इज अ डिस्टेंस एट विच पोटेशियम इज ट्रांस पोटेशियम ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल आर नाव रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज़ थ्री पॉइंट वन फोर इंटू एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन का स्क्वायर ओके फ्रेंड्स ये मिल गया आपको सो so, ये आपकी वैल्यू आई जब आप इसको सोल्व करेंगे टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन मीटर स्क्वायर विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस एटीन पर मीटर स्क्वायर सो ये कुछ नया क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपका हारपून मैकेनिज्म से लेकिन सिंपल क्वेश्चन है बस आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन ऑफ कोलिजन थ्योरी होता है डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ज़्यादा टिफिकल नहीं था सो so फ्रेंड्स ये था आपके क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 थाउजेंड नेट में आपसे पूछे गए थे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग